बवासीर आयुर्वेद के अनुसार 8 प्रकार की होती है, जैसे वातज है, पितज है, कफज है, सन्निपातज है, वातज कफज है, वातज पितज है, पितज कफज है, और एक जो है आगंतुक। लेकिन सामान्य तौर पर जो हम और आप लोग देखते हुए आ रहे हैं, तो लोगों को दो तरह की बवासीर का पता है। एक तो बवासीर होती है सूखी, जिसको बादी कहते हैं, और दूसरी बवासीर होती गीली, जिसको रक्तार्थ कहते हैं, यानी जिसमें खून बहता है। तो इन ये जो दो तरह की बवासीरें हैं, मतलब सारी की सारी बवासीर इन दोनों में ही लपेटती है। तो इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो ये है, मान लो किसी को सूखी बवासीर है, खुजली वाली बवासीर है, जिसमें खुजली भी होती है और दर्द भी होता है, तो उसको जो है वो वायु की वजह से होने वाली बवासीर है, कब्ज की वजह से होने वाली बवासीर है। तो मान लो किसी को सूखी बवासीर है, उसको जो है खून नहीं गिरता, तो उसको एक तो घी खाना चाहिए, शाम के समय में दूध में डाल करके घी पीना चाहिए। दूसरा जो है उसको अपना पेट अच्छे से साफ करवाना चाहिए, या तो एनीमा करवाए, या फिर हरड़, बहेड़ा, आंवला, इनको कूट करके जो है एक दो तीन का अनुपात सूट करे तो एक दो तीन का अनुपात ले ले। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बराबर का अनुपात ठीक करता तो वो बराबर का लेकर के देख लो। ये मत समझना कि मैंने तिरुपलाल एक दो तीन के अनुपात का लिया था, उससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं अब क्या करूँ। यदि किसी को एक दो तीन का अनुपात फ़ायदा ना करे तो वो बराबर का अनुपात ले लो, उसको वो फ़ायदा कर जाएगा। और जो है दूसरा एक नुस्खा बताता हूँ मैं बवासीर के लिए। आपको क्या करना, रसोत ले आओ 50 ग्राम, 50 ग्राम निम्बोली की गिरी ले आओ जो नीम के ऊपर लगती है, और 50 ग्राम महानीम के ऊपर जो निम्बोली लगती है उसकी गिरी ले आओ, और 50 ग्राम ले लो एलुआ। इस पूरी सामग्री को कूट करके और जो इसकी छोटी छोटी जंगली बेर के समान गोलियां बना लो, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को लेना शुरू कर दो, बवासीर भाग जाएगी। साथ में जो है यदि किसी को हो गई खूनी बवासीर, ये तो था सूखी बवासीर के लिए, तो खूनी बवासीर यदि किसी को होती है उसका प्रमुख कारण होता है एक तो कब्ज। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे बवासीर में आपको जिनको कब्ज नहीं होगी और उनको बवासीर होगी, तो उनका भी पेट साफ करवाना बहुत ज़रूरी है, और यही नुस्खा उसमें भी काम कर जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि रोगी को दवाइयों से ज़्यादा फायदा होता परहेजों से। अब आप दवाई दे दो अच्छी से अच्छी और रोगी जो है खाता रहे कुछ भी, तो उसको इसका नुकसान होगा। तो इसके लिए एक तो उसको कोई भी अचार नहीं खाना है, मिर्च नहीं खानी है, बाई वाली चीज़ें नहीं खानी, जैसे आलू, बैंगन, गोभी, मटर, भिंडी, शिमला मिर्च, उड़द की दाल, चने की दाल, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, और घी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। तो यदि ये समस्या किसी बच्चे को हो जाए तो सबसे पीड़ा वाली बात है, यदि ये किसी बच्चे को हो जाती है वो ना तो इतना परहेजों के ऊपर फोकस कर पाता है और ना ही वो जो है इतनी दवाइयाँ ले पाता है। तो बच्चे को चाहिए कि वो जो है सुबह और शाम को जो नूने घी होता है, टिंडी घी जिसे बोलते हैं, कच्चा घी, उसके अंदर मिश्री मिला करके खाए स्वाद अनुसार और अपनी आवश्यकता अनुसार जितना वो खा सके। और साथ में जो है एक विशेष बात ये है, बवासीर कोई बहुत लंबा चलने वाला रोग नहीं है, 3-4 खुराकों में आराम हो जाता है इस दवाई से। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक ये दवाई ले लो, लेकिन एक ध्यान रहे कब्ज ना हो। बार बार कब्ज होगी तो बेशक आपने बवासीर का ऑपरेशन करवा लिया हो, ये रोग उसी टाइम यदि आपको 3-4 दिन कब्ज रही तो ये रोग वापसी कर जाएगा।